हाय दोस्तों, तो यार कैसे हो आप सब। अपना हाल मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि आप अपने एंड्रॉइड मोबाइल से यूट्यूब चैनल कैसे क्रिएट कर सकते हो। दोस्तों वैसे तो इस टॉपिक पर आपको हजारों वीडियो मिल जाएगी यूट्यूब पर, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कुछ डिफरेंट बताने वाला हूँ। दोस्तों आप ही की तरह मैंने भी यूट्यूब वीडियोज को देखकर अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट किया था, और यूट्यूब चैनल क्रिएट करते वक्त और क्रिएट करने के बाद मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ी थी। और दोस्तों जनरली बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है, बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे YouTube चैनल वेरीफाई कैसे करना है, YouTube वीडियो होते हैं उनमें वॉटरमार्क कैसे डालना है, और बहुत सारे सवाल हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सारे टॉपिक कवर करूंगा, सारी सवालों का जवाब देता चलूंगा वीडियो में। तो दोस्तों ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए आज के इस कमाल के वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विमल सिंह और आप देख रहे हैं ओ मेरी यार टेक्निकल प्यार। सबसे पहले दोस्तों आपको अपने मोबाइल में गूगल क्रोम ओपन करना और वहां पर YouTube की वेबसाइट ओपन करनी है। और जैसे ही दोस्तों ओपन वेबसाइट आप करते हैं तो यहां पर साइन इन का बटन दिखता है, आप साइन इन पर क्लिक करते हैं तो आपको यहां पर ईमेल आईडी मांगता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ईमेल आईडी जनरेट करना बता देता हूं। तो दोस्तों डेस्कटॉप पे आप इस प्रकार से ईमेल आईडी जनरेट कर सकते हैं। यहां पर फर्स्ट नेम आपका, लास्ट नेम आपका, यूजर नेम आपको डालना है, और देन उसके बाद आपको एक यूनिक पासवर्ड सेलेक्ट करना है, और उसके बाद कंफर्म पासवर्ड में वही पासवर्ड टाइप करना, देन नेक्स्ट पर क्लिक करके बहुत आसानी से अपनी जो ईमेल आईडी आप बना सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको मोबाइल से और बता देता हूं कि मोबाइल से आपको ईमेल आईडी कैसे बनाना है। तो आपको अपने मोबाइल में जीमेल का एप्लीकेशन आता होगा, उसे आपको ओपन कर लेना है। जैसे दोस्तों आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे, यहां पर ऐड अकाउंट लिखा हुआ है, ऐड अकाउंट पे आपको क्लिक करना है, देन आपको गूगल पर टैप करना है। गूगल पर टैप करने के बाद आपको यहाँ पर क्रिएट अकाउंट दिखाई दे रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप दोस्तों क्लिक करते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट नेम में मैं अपना नाम डाल देता हूँ विमल, और लास्ट नेम में मैं अपना नाम डाल देता हूँ सिंह। तो मैं विमल सिंह के नाम से अपनी आईडी बना रहा हूँ। देन उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सही सही डालनी है, और दोस्तों न्यू आपको ईमेल आईडी बनानी, ये बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हो सकता है पुरानी ईमेल आईडी में डेट ऑफ बर्थ सही ना हो, या हो सकता है आपको इन फ्यूचर प्रॉब्लम हो सकती है। और यदि आप 18 प्लस ना हो तो आप अपने मम्मी या पापा के नाम से जीमेल आईडी बनाकर अपने मम्मी या पापा के नाम पर अपना यूट्यूब अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ, उसके बाद मैं जेंडर सेलेक्ट करता हूँ, देन उसके बाद दोस्तों मैं नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपने मन से कुछ भी सोचकर एक यूनिक ईमेल एड्रेस डालना है। तो जैसा कि मैं यहाँ पर विमल सिंह 02378 डाल चुका हूँ। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्रिएट पासवर्ड आ रहा है, तो क्रिएट पासवर्ड में आपका पासवर्ड भी यूनिक होना चाहिए। पहला तो आपके लेटर्स में होना चाहिए जो पासवर्ड, उसके बाद एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, उसके बाद यूनिट में आपका पासवर्ड होना चाहिए। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड डाल रहा हूँ news@123। तो दोस्तों न्यूज में एन कैपिटल, बाकी स्मॉल लेटर में, उसके बाद दोस्तों एक स्पेशल कैरेक्टर है @, उसके बाद 123 डिजिट है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको अपना जो पासवर्ड है वो सिलेक्ट करना है, एक स्पेशल आपका पासवर्ड होना चाहिए, इससे आपका पासवर्ड कोई हैक नहीं कर सकता और आपका पासवर्ड कोई आसानी से पता भी नहीं कर सकता। अब दोस्तों आपको यहां पर यस आई एम इन पर क्लिक कर देना है, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। फिर दोस्तों आपको आई एग्री पर नीचे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं दोस्तों तो आपके सामने आ जाता है अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाला हुआ। नेक्स्ट पर आप क्लिक करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने ईमेल आईडी पासवर्ड से अपना जीमेल अकाउंट लॉगिन कर लिया। तो भाई यूट्यूब चैनल के लिए हमने ईमेल आईडी और पासवर्ड तो बना लिया, लेकिन इसे प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है। तो दोस्तों इसके लिए जीमेल का एक बहुत स्पेशल फीचर आता है, 2-स्टेप वेरिफिकेशन मेथड। तो उसके लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना पड़ेगा, और उसके बाद वहां पर गूगल का ऑप्शन में जाना पड़ेगा। देन उसके बाद दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं आपको गूगल अकाउंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपको इस पर टैप करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सिक्योरिटी के ऑप्शन पर आपको टैप करना है। जैसे ही आप टैप करते हैं उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर लिखा दिखाई दे रहा होगा 2-स्टेप वेरिफिकेशन प्रोसेस, तो यहाँ पर ऑफ है, हम इसे ऑन करने के लिए क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक न्यू विंडो ओपन हो जाता है। अब आप सबसे नीचे जाते हैं तो यहाँ पर आपको डन का ऑप्शन दिखता है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर पासवर्ड सेव करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पर नेवर और सेव दोनों में से किसी एक पर क्लिक कर सकते हैं आप। तो मैं यहाँ नेवर कर देता हूँ, आप सेव भी क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूँ, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आएगा, तो आपको अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल के नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, उस कोड को आपको यहाँ पर 6-डिजिट कोड लिखा हुआ यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर रिकवरी ईमेल में आप अपना दूसरा ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं। जब भी आपके अकाउंट का पासवर्ड या आईडी या मोबाइल नंबर कुछ भी खो जाए तो आप दूसरे ईमेल एड्रेस से अपना अकाउंट रिकवर कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों डन पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 2-स्टेप वेरिफिकेशन में यहाँ पर नीचे गेट स्टार्टेड करके लिखा आ रहा है, आपको इस पर टैप करना है।
फिर दोस्तों डबल से आपको अपनी ईमेल आईडी का जो है वो पासवर्ड डालना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी J8 लिखा हुआ है क्योंकि मैंने इस मोबाइल से अपना अकाउंट लॉगिन किया, तो यहाँ पर डिटेल उन्होंने शो की है। फिर उसके बाद दोस्तों आपको सबसे नीचे एक ट्राई इट नाउ का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। दोस्तों किसी दूसरे या तीसरे बंदे को आपका जीमेल आईडी और पासवर्ड यदि पता चल जाता है तो इस प्रकार से नोटिफिकेशन के द्वारा आपको पता चल जाएगा, आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो बड़ी ही आसानी से आप इस बात का पता लगा सकते हो और उसके बाद आप अपना जीमेल आईडी भी चेंज कर सकते हो जिससे आपका अकाउंट पूरी तरह से सेफ रह सके। नेक्स्ट स्टेप में यहां पर आपको अपने मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद दोस्तों आपको यहां पर सिलेक्ट करना है कि आप टेस्ट मैसेज के थ्रू अपना वेरिफिकेशन चाहते हैं ओटीपी वाला या फोन कॉल के थ्रू। तो यहां पर मैं टेस्ट मैसेज पे क्लिक करके यहां पर सेंड पर क्लिक कर देता हूं। उसके बाद दोस्तों मेरे मोबाइल नंबर पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, उस कोड को यदि मैं इसमें डालता हूं उसके बाद ही मेरा जो ईमेल आईडी है वो लॉगिन होगा। अगर मैं कोड गलत डाल देता हूं तो मेरी ईमेल आईडी जो है वो लॉगिन नहीं होगा। ओटीपी डालने के बाद दोस्तों यहां पर आपको नेक्स्ट स्टेप में दिखाई दे रहा होगा टर्न ऑन टू स्टेप वेरिफिकेशन कोड, तो मैं यहां पर टर्न ऑन कर लेता हूं अपना टू स्टेप वेरिफिकेशन प्रोसेस। और इस प्रकार से मेरा जो जीमेल अकाउंट है या यू कहो तो मेरा यूट्यूब अकाउंट या यूट्यूब चैनल में जो बनाने वाला हूं वो पूरी तरीके से सेफ हो चुका है। तो चलिए दोस्तों अब हम अपनी यूट्यूब की वेबसाइट पर ईमेल आईडी और पासवर्ड के थ्रू लॉग इन हो लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहां पर आइकन पर क्लिक करना है, देन उसके बाद दोस्तों आपको क्रिएटर स्टूडियो लिखा आ रहा होगा, आपको इस पर टैप करना है। जैसे ही आप टैप करेंगे यहां पर क्रिएट चैनल का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपको अपना यहां पर चैनल का नाम डालना है। तो चलिए मैं यहां पर अपने चैनल का नाम टेक प्यार डाल देता हूं, देन उसके बाद दोस्तों मैं ओके पर क्लिक करता हूं। अब दोस्तों चैनल तो हमने क्रिएट कर लिया, अब जरूरत है इस चैनल को वेरीफाई करने की। तो दोस्तों साइड में आपको चैनल का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, मैं यहां पर टैप करता हूं। उसके बाद दोस्तों आपको ब्लू बॉक्स में वेरीफाई करके लिखा आ रहा होगा, हमें उस पर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों मैं क्लिक करता हूं यहां पर मोबाइल नंबर पूछ रहा है, तो मैं यहां पर अपने मोबाइल नंबर डाल देता हूं। उसके बाद दोस्तों एक वेरीफिकेशन जो ओटीपी आएगा मेरे उसी नंबर पर जो नंबर मैं इसमें डालूंगा, देन उसके बाद इस कोड को दोस्तों मैं यहां पर डाल देता हूं। और उसके बाद दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो चैनल है ये लिखा हुआ आ गया कि हमारा चैनल वेरीफाई हो चुका है सक्सेसफुली। दोस्तों आपको यहां पर कॉपीराइट स्टेटस लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, तो आपको जब भी स्ट्राइक आती है वो यहां पर पता चलता है। तो 3 स्ट्राइक से ज्यादा अगर आपके चैनल पर होती है तो आपका चैनल बंद हो सकता है। और नीचे कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक है, तो 2 प्रकार की स्ट्राइक होती है दोस्तों। यदि आप कम्युनिटी को तोड़ते हो यूट्यूब की तो कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक आती है, और यदि आप कॉपीराइट किसी चीज का यूज करते हो तो कॉपीराइट स्ट्राइक आती है। उसके बाद दोस्तों यहां पर अपलोडिंग इनेबल है, मोनेटाइजेशन इनेबल है, लाइव स्ट्रीमिंग इनेबल है, देन उसके बाद दोस्तों यहां पर काफी सारे ऑप्शन यहां पर दिखाई दे रहे होंगे। तो यहां पर दोस्तों आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा कस्टम यूआरएल। तो सिंपल भाषा में कस्टम यूआरएल का मतलब आप ये समझ लीजिए कि यूट्यूब की जो वेबसाइट होती है उस वेबसाइट का जो यूआरएल होता है उसके सामने अगर आपके चैनल का नाम कोई डालेगा तो वो सीधा आपके चैनल पर पहुंच जाएगा, तो इसे बोलते हैं कस्टम यूआरएल। जो आप ऊपर देख सकते हैं मेरे चैनल का है www.youtube.com/technicalpyar, ऐसा करके यूआरएल है, तो इसे बोलते हैं कस्टम यूआरएल। तो दोस्तों इसके लिए भी कुछ फाउंडेशन है। उसके लिए दोस्तों आपके चैनल पर 100 सब्सक्राइबर होना चाहिए, आपका चैनल 30 दिन से ज्यादा पुराना होना चाहिए और कुछ वीडियोस अपलोड होने चाहिए। देन उसके बाद दोस्तों आपके चैनल पर जो फोटो चैनल आइकन अपलोड होना चाहिए और चैनल आर्ट अपलोड होना चाहिए। ये सारी कंडीशन फुलफिल करने के बाद ही आप कस्टम यूआरएल को प्राप्त कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि चैनल के लिए लोगो कहाँ से डिज़ाइन करना, चैनल के लिए चैनल आर्ट कहाँ से बनाना। तो लोगो डिज़ाइन करने के लिए दोस्तों मैं आपको एक वेबसाइट सजेस्ट करूँगा www.designevo.com। इस वेबसाइट पर आपको 6000+ लोगो वगैरह टैम्पलेट वगैरह मिल जाएंगे, तो आप इजीली यहां से फ्री में अपनी चैनल के लिए अच्छा खासा लोगो डिज़ाइन कर सकते हो, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। लोगो डिज़ाइन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर पेंसिल के साइन पर टैप करना है, उसके बाद एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर दोस्तों आप गूगल की वेबसाइट पर पहुंच जाओगे, फिर वहाँ पर आपको प्रोफाइल के ऊपर टैप करना है और यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा अपलोड फोटो, तो आपको यहाँ पर टैप करना है, फिर आप गैलरी पर पहुंच जाओगे अपने मोबाइल की, फिर वहां से आपको अपना लोगो उठाना है जहां पर भी आपने जिस भी फोल्डर में अपने लोगो को रखा है, फिर उसके बाद दोस्तों सेलेक्ट करके आपको अपना जो लोगो है वो अपलोड कर देना है। फिर दोस्तों आप यूट्यूब पर आओगे तो यहाँ पर भी आपको अपने चैनल का जो लोगो है बाय डिफॉल्ट सेट नजर आएगा। अब दोस्तों बात करते हैं चैनल आर्ट की। तो YouTube चैनल के लिए चैनल आर्ट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्ले स्टोर पर जाना पड़ेगा और वहां से आपको कैनवा नाम का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं कैनवा एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूं। यहां पर आप नीचे आते थोड़ा तो यहां पर देखिए YouTube चैनल आर्ट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, तो यहां पर आपको फर्स्ट वाले चैनल आर्ट पर क्लिक करना है और यहां पर देखिए जो भी आपको टेस्ट वगैरह दिख रहा है इस टेस्ट को हम एडिट कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए मैं लिख देता हूं टेक्निकल प्यार और यहां पर लिख देता हूं मैं नंबर 1 क्वालिटी टेक चैनल इन हिंदी, देन उसके बाद
दोस्तों मुझे इसको क्या करना है, सेव करना है। जैसे ही मैं दोस्तों इसको सेव कर लेता हूँ तो ये क्या होता है, मेरे मोबाइल की गैलरी में सेव हो जाएगा। फिर मैं वापस जाता हूँ यूट्यूब पर, तो यूट्यूब पर जाने के बाद फिर मैं यहाँ पर पेंसिल पर टैप करता हूँ और फिर यहाँ पर देखिए अपलोडिंग का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट फोटो फ्रॉम योर कंप्यूटर पर टैप करता हूँ और अपने मोबाइल की गैलरी में से उस चैनल आर्ट को ले लेता हूँ और अपलोड कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि मैं फोटो पर अपलोड करता हूँ, फिर यहाँ पर देखिए कुछ साइज वगैरह है, डेस्कटॉप साइज, मोबाइल साइज, तो हमें इन साइज को क्रॉप वगैरह अपने अच्छे से एडजस्ट कर लेना और देन उसके बाद दोस्तों हमें इस चैनल आर्ट को सेव कर देना। फिर दोस्तों आपको मैं रिफ्रेश करके बताता हूँ, देखिए आप कितना अच्छा चैनल आर्ट आपको देखने पर लग रहा है और वो भी कुछ ही सेकंड में मैंने इस चैनल आर्ट को बनाया है। अब दोस्तों चलिए मैं आपको बता देता हूं कि आपको वीडियो अपलोड कैसे करना है। तो यहां पर आपको आइकन का, वी आइकन का साइन दिख रहा है, आपको यहां पर क्लिक करना है, फिर अपलोड वीडियो लिखा हुआ है, आपको इस पर टैप करना है। फिर जैसे ही दोस्तों आप टैप करते हैं यहां पर आपको देखिए एरो का साइन दिखाई दे रहा होगा, आप यहां पर क्लिक करोगे तो आप अपने मोबाइल के गैलरी में पहुंच जाओगे। यदि आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप के आप जो है वो फाइल्स वगैरह में पहुंच जाओगे। फिर आपको जो वीडियो फाइल्स है वो सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप सिलेक्ट करते हो तो इस प्रकार से देखिए अपलोडिंग शुरू हो गई है। तो अब ये डिपेंड करता है आपकी इंटरनेट स्पीड कि आपके यहाँ इंटरनेट की स्पीड किस प्रकार से मिल रही है। तो अप्रोक्स मुझे तो 2-3 घंटे लग जाते हैं क्योंकि मेरा वीडियो 2-3 GB समथिंग का होता है, इसलिए मुझे काफी टाइम लग जाता है। तो यार इतने टाइम में मैं क्या करता हूँ, मैं टाइटल वगैरह डाल देता हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ और थंबनेल भी तैयार कर लेता हूँ। तो इस प्रकार से मैं अपना टाइम मैनेज कर लेता हूँ। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको एक साइड में ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा पब्लिक का ऑप्शन, तो यार यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले वीडियो को प्राइवेट करके रखना है क्योंकि दोस्तों हो सकता है आपके वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो। तो पहले इस वीडियो को जब पब्लिश करते हो आप तो उसे प्राइवेट में रखिए और उसके बाद चेक कीजिए कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। पर दोस्तों मैं वीडियो जब पब्लिश करता हूँ तो मैं उसे क्या करता हूँ, प्राइवेट में नहीं डालता हूँ, मैं उसे डालता हूँ शेड्यूल में। जैसे मुझे कल सुबह 6 बजे वीडियो डालना है तो मैं क्या करूँगा, 6 बजे का उसमें टाइम डाल दूंगा, तो क्या होगा सुबह के टाइम 6 बजे अपने आप वीडियो पब्लिक हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ रात में सारा काम कंप्लीट कर लेता हूँ, टेक्स्ट टाइटल डिस्क्रिप्शन वाला 10-12 बजे समथिंग तक, और सुबह आराम से सोता हूँ, सुबह मुझे उठने की भी जरूरत नहीं, जो वीडियो होगा ऑटोमेटिकली पब्लिक हो जाएगा। तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत अच्छा फीचर है शेड्यूल का। तो आप अपनी वीडियो में एक टाइम फिक्स कर दीजिए तो आपको उस टाइम का इंतजार करने की भी जरूरत नहीं, उस टाइम पर अपने आप आपकी जो वीडियो है वो अपने आप पोस्ट हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से आप लैपटॉप और कंप्यूटर में भी वीडियो अपलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको सेकंड तरीका बता रहा हूं कि आप मोबाइल से कैसे एक और तरीके से वीडियो अपलोड कर सकते हो। तो दोस्तों उसके लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल की गैलरी में जाना है और किसी भी एक वीडियो को सिलेक्ट करना है। वीडियो के साइड में आपको या नीचे आपको एक शेयर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपको शेयर पर क्लिक करना और वहां पर आपको क्या करना है, यूट्यूब सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप यूट्यूब सिलेक्ट करोगे इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। बस दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर टाइटल डालना है, थंबनेल डालना है और आप वीडियो को प्राइवेट में रखना चाहते हो, शेड्यूल में डालना चाहते हो तो वो डाल सकते हो। देन उसके बाद दोस्तों आप पब्लिश कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर में एक एप्लीकेशन है उसे इंस्टॉल करना है। तो उस एप्लीकेशन का नाम है YT स्टूडियो, उसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से थंबनेल वगैरह डाल सकते हो, डिस्क्रिप्शन, टेक्स्ट, टाइटल, सारी चीजें डाल सकते हो। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं। तो आपको यहां पर इस वीडियो पर क्लिक करना है, यहां पर दोस्तों आप क्या कर सकते हो, यहां पर एडिट थंबनेल पे जाके यहां से थंबनेल डाल सकते हो। देन उसके बाद दोस्तों यहां पर टाइटल, टेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन डाल सकते। तो दोस्तों इस प्रकार से बहुत ही सिंपल तरीके से वीडियो को अपलोड कर सकते हो। दोस्तों यहां पर कस्टम थंबनेल बनाने के 3 तरीके हैं। पहले तो आप काइनमास्टर से थंबनेल बना के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। सेकंड तरीका है दोस्तों पिक्सल एब एक एप्लीकेशन है, उसकी मदद से बहुत अच्छा थंबनेल बना सकते हैं। एंड थर्ड दोस्तों एक और एप्लीकेशन है कैनवा, जिसके बारे में पहले भी बता चुका हूं, उससे भी आप बहुत ही अच्छा, बढ़िया और प्रोफेशनल थंबनेल बना सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि आपको अपनी YouTube वीडियो में अपने चैनल का वाटरमार्क कैसे डालना है। दोस्तों उससे क्या होगा, लोगों को आपको आपकी चैनल का नाम याद रहेगा। तो दोस्तों उसके लिए यहां पर चैनल के नीचे आपको ब्रांडिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको यहां पर क्लिक करना है, उसके बाद एड वाटरमार्क पर टैप करना है आपको। जैसे ही दोस्तों आप टैप करोगे यहां पर अपलोड वाटरमार्क लिखा हुआ आ रहा है, तो दोस्तों आपका जो वाटरमार्क या चैनल का जो आइकन है वो होना चाहिए ट्रांसपेरेंट। तो यहाँ पर चूज कर लेना, हमें यहाँ पर नीचे फाइल सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर भी आपका जो लोगो है या जो आइकन है चैनल का उस पर आप टैप कर दीजिए, उसे सेलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे सेव का बटन दिख रहा है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे जो चैनल का वाटरमार्क आपको दिखाई दे रहा होगा। अब मैं यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देता हूँ, तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये वीडियो में जो है वाटरमार्क दिखाई दे रहा है, कि इस प्रकार से वाटरमार्क दिखाई देगा हमारे वीडियो के नीचे। अब दोस्तों यहाँ पर 2-3 ऑप्शन आ रहा है, तो आपको इंटायर ए वीडियो वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। इसका मतलब ये होगा कि आपकी पूरी वीडियो में ये वाटरमार्क शो होगा। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा तरीका है लोगों को आपके चैनल का नाम याद करवाने का।
अब दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक और ट्रिक बताना चाहता हूँ कि आप अपने YouTube चैनल को सिस्टमेटिक तरीके से एक मतलब प्रोफेशनल तरीके से कैसे बना सकते हैं कि कोई भी आपके चैनल को देखे तो उसे आपका चैनल एक ही नज़र में पसंद आ जाए। तो इस प्रकार से आप अपने चैनल को अरेंजमेंट में सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में कैसे कर सकते हो, प्रोफेशनल VIP कैसे बना सकते हो, तो इसके ऊपर दोस्तों मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, यहाँ पर आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को डायरेक्ट जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों अब हमारा YouTube चैनल तो क्रिएट हो गया, लेकिन अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस YouTube अकाउंट को Adsense से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों उसके लिए आपको यहां पर देखिए चैनल का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको यहां पर टैप करना है। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे मोनेटाइजेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो आपको इनेबल पर सिलेक्ट करना है। जैसे आप इनेबल पर सिलेक्ट करेंगे आपके सामने नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, यहां पर स्टार्ट बटन जो है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप दोस्तों आप क्लिक करते हैं फिर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, तो आपको सारे ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना और उसके बाद आपको क्या करना, आई एग्री पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप आई एग्री पर क्लिक कर तो यहाँ पर देखिए राइट का साइन आ गया है, मतलब कि हम एक स्टेप पार कर चुके हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पर साइन अप फॉर एडसेंस में स्टार्ट पर क्लिक करते हैं, आपके सामने यहाँ पर लिखा आ रहा है यू विल डायरेक्टेड टू एडसेंस टू लिंक यूर एग्जिस्टिंग एडसेंस अकाउंट। तो आपको यहाँ पर कुछ सोचना नहीं, नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद दोस्तों आप गूगल की जो एडसेंस की वेबसाइट है उस पर आप सीधे डायरेक्टली पहुँच जाओगे। फिर यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी सेलेक्ट करना है, जिस ईमेल आईडी से आपने यूट्यूब अकाउंट क्रिएट किया उसी ईमेल आईडी से आपको गूगल एडसेंस अकाउंट बनाना है, तो वही वाली आपको ईमेल आईडी सेलेक्ट करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यूट्यूब का URL है चैनल का वो डायरेक्टली यहाँ पर आ चुका है, मतलब गूगल एडसेंस ने डायरेक्टली एक्सेप्ट कर लिया है। तो अगर आपकी वेबसाइट हो तो आप वेबसाइट का लिंक भी यहाँ पर डाल सकते हो। फिर यहाँ पर लिखा गेट मोर आउट ऑफ एडसेंस, मतलब यस सेंड मी कस्टमाइज हेल्प एंड परफॉर्मेंस सजेशन, मतलब कि आप यूट्यूब से नोटिफिकेशन वगैरह चाहते हैं गूगल एडसेंस से रिलेटेड तो आप अपने अकॉर्डिंग यस नो पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहां पर कंट्री सिलेक्ट करनी है, तो यहां पर हमारी कंट्री जो है मेरी कंट्री है इंडिया है, तो मैं यहां पर इंडिया सिलेक्ट करता हूं। फिर उसके बाद यहां पर यस पे टिक कर देना एंड क्रिएट अकाउंट पर आपको क्लिक कर देना। जैसे दोस्तों आप क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर अकाउंट टाइप में इंडिविजुअल सेलेक्ट करना, मतलब इंडिविजुअल अगर बाय डिफॉल्ट है तो वही रहने देना। फिर चैनल का नाम टेक प्यार है तो आप अपने चैनल का जो है तो आप अपने चैनल का नाम डालिए। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एड्रेस लाइन, तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको अपना जो एड्रेस है वो सही सही डालना है, क्योंकि दोस्तों $10 जब आपके YouTube चैनल पे हो जाएंगे तो एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए आपके पास एक कोड आएगा गूगल एडसेंस की तरफ से, तो वो इसी एड्रेस पे आएगा, तो आपको अपना कोड जो है वो सही डालना है, एकदम करेक्ट डालना है, ताकि आपको वो पिन जो है एडसेंस पिन आसानी से मिल सके और आप अपने चैनल को वेरीफाइड कर सकें इनकम जनरेट करने के लिए। अब दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आता है पिन कोड का, तो आप गूगल पे सर्च कर लीजिए अपने एरिया का पिन कोड क्या है। तो मैं यहाँ पर मंडीदीप का पिन कोड सर्च कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पर अपना मंडीदीप का पिन कोड सर्च किया तो ये मेरा पिन कोड है, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ नेक्स्ट पेज में। उसके बाद आपको स्टेट सिलेक्ट करना है, फोन नंबर सिलेक्ट करना है, फिर सबमिट पर क्लिक कर देना। फिर दोस्तों उसके बाद आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पूछी जाएगी, आपको एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना और इस प्रकार से आपका गूगल एडसेंस जो अकाउंट है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो यार बहुत सिंपल है गूगल एडसेंस अकाउंट क्रिएट करना, फिर आपका जो अकाउंट है वो रिव्यू में रहेगा, उसे अप्रूवल मिलने में टाइम लगेगा। तो फिर उसके बाद दोस्तों हम चले जाते हैं यूट्यूब के पेज पर वापस, और वहां पर देखिए आपको लास्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा कि आपको सबसे पहले 4000 हावर्स का वॉच टाइम कंप्लीट करना है, देन 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है। तो मतलब आपको एक साल के अंदर इतना सारा टारगेट कंप्लीट करना है। जैसे ही आप ये सारा टारगेट कंप्लीट कर लोगे तो आपके चैनल पे मोनेटाइजेशन इनेबल हो जाएगा और आपके चैनल पर एड्स, आपके वीडियो पर एड्स आना शुरू हो जाएंगे, और इस प्रकार से आप अर्निंग करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, आप अर्निंग करने के लिए तैयार हो जाओगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं, तो दोस्तों इस प्रकार से आप एक सही तरीके से अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकते हैं और अपने मोनेटाइजेशन को भी इनेबल करा सकते हैं। दोस्तों आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बतानी कि आपको लोगों को अपने चैनल के बारे में भी बताना पड़ेगा कि आपका चैनल किस कैटेगरी में, आपके चैनल पर लोगों को देखने को क्या मिलेगा। तो उसके लिए दोस्तों आप जो चैनल का माई चैनल पर चले जाइए, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अबाउट सेक्शन है, आपको यहाँ पर टैप करना है और आप अपने चैनल का एक अच्छा खासा डिस्क्रिप्शन तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पर चैनल डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है प्लस का साइन, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और अपने चैनल का डिस्क्रिप्शन डालना है। और यहाँ पर फॉर बिजनेस इंक्वायरी के लिए आप अपना जो मेल है, मतलब जिस मेल से जो स्पॉन्सरशिप वाले ब्रांड वगैरह है वो आपको कॉन्टेक्ट करें, तो वो वाला मेल आप यहां पर डाल दीजिए।
उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर नीचे आते हैं तो यहाँ पर लिंक्स का ऑप्शन है। अगर मैं यहाँ पर प्लस के साइन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप अपने काफी सोशल मीडिया अकाउंट जो है वो लिंक कर सकते हैं यूट्यूब से। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है वो लिंक कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इंस्टाग्राम लिखता हूँ, देन उसके बाद दोस्तों URL में अपने इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो कॉपी करके यहाँ पर डाल देता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही मैं यहाँ पर डालता हूँ तो आप देखिए ऊपर यूट्यूब पर हम टॉप पर जाते हैं तो वहाँ पर इंस्टाग्राम का ऑप्शन अपने आप दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने सारे सोशल मीडिया के अकाउंट जो है वो यूट्यूब से लिंक कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपके सोशल मीडिया पर भी आपके फॉलोवर्स वगैरह बढ़ेंगे और उसके बाद यूट्यूब पर भी आपके सब्सक्राइबर, आपकी ऑडियंस आपसे इंगेज रहेगी। अब दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ आपको बताना है कि अगर आप यदि अपना YouTube चैनल आप डिलीट करना चाहते हैं, हो सकता है आपने बहुत सारे YouTube चैनल क्रिएट कर लिए हों तो आपको डिलीट करने की भी ज़रूरत पड़े चैनल की, तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, आपको चैनल के आइकन पर क्लिक करना, उसके बाद ये चक्री का साइन है आपको यहाँ पर टैप करना है। फिर दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको एडवांस सेटिंग का ऑप्शन आ रहा होगा, आपको यहाँ पर एडवांस सेटिंग पर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप एडवांस सेटिंग पर क्लिक करते हैं तो आपको सबसे नीचे यहाँ पर डिलीट चैनल का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो आपको यहाँ पर टैप कर देना। फिर आपको जैसे ही आप डिलीट चैनल पर क्लिक करेंगे उसके बाद ईमेल आईडी पासवर्ड वगैरह पूछेगा, तो आपको ईमेल आईडी पासवर्ड वगैरह डाल देना है। और जैसे ही आप ईमेल आईडी पासवर्ड डाल दोगे, कंफर्म कर दोगे, तो आपका जो चैनल है वो डिलीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप आपके जो भी उल्टे सीधे चैनल है या जो चैनल बंद है या जो चैनल का आप यूज़ नहीं करते हो उन चैनल को डिलीट भी कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप इस वीडियो के बाद आप समझ ही चुके होंगे कि आपको अपना YouTube चैनल अकाउंट जो है वो कैसे बनाना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए वरना डिसलाइक कीजिए। अच्छा दोस्तों अब मैं चलता हूं, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।